जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मैं हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आप लोग का काफ़ी रिक्वेस्ट की वजह से आज एक और एक वीडियो लेके आ गया हूँ। आज रिव्यू करने वाले हैं आज एंजा कंपनी का और एक प्रीमियम क्वालिटी फुटबॉल शू, एंजा 10N मॉडल। ये रहा दोस्तों एंजा 10N मॉडल, एकदम प्रीमियम क्वालिटी लुक है और प्राइस भी काफ़ी सस्ता है, एकदम एफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। ये रहा 10N मॉडल नेम एंड ये रहा एंजा कंपनी नेम एंड ये रहा एंजा का लोगो, एंजा का लोगो। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये शू कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और कितने प्राइस में मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बोल देंगे। और हमारे चैनल में आप लोग अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर और भी हम बढ़िया बढ़िया फुटबॉल शू का एफोर्डेबल प्राइस का अंदर रिव्यू देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस शू का अगर रिव्यू देखें तो सबसे फास्ट अगर हम इस शू का अपर देखें, ये जो अपर दिख रहा होगा दोस्तों मेरा, ये अपर जो है इम्पोर्टेड प्यू क्वालिटी अपर है। इम्पोर्टेड प्यू क्वालिटी अपर का बेनिफिट यही है कि आप कादो पानी में खेलिए, कोई इशू नहीं है। अभी जो वेट है यही वेट रहेगा, क्योंकि ये अपर का अपर है वाटर रेजिस्टेंट अपर है। इस अपर कादो पानी में भारी नहीं होता है, अभी जो वेट है यही वेट रहेगा। तो दोस्तों, इसका अगर आप लोग वेट का बात करें, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है। 180 से 200 ग्राम वेट है, एकदम काफ़ी लाइट वेट है। 180 से 200 ग्राम, ओनली 180 से 200 ग्राम आप पैर में पहने रहेंगे तो आपका कोई महसूस ही नहीं होगा कब कोई शू पहने हुए हैं। और दोस्तों, हम लोग अपर में देखने जाएं कितना बढ़िया सा डिज़ाइन किया हुआ दिख रहा है, जो फॉरेन क्वालिटी में आता है, नाइकी पूमा क्वालिटी में जो फुटबॉल शू का जो अपर कॉपर डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है, दिख रहा होगा ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है। सो लुक भी बढ़िया है, अपर का डिज़ाइन भी अच्छा है और अपर भी काफ़ी क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। एंड अपर का ऊपर दिख रहा होगा ये जो प्रिंटेड है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रिंटेड है। ये प्रिंटेड डिजिटल प्रिंट है, कोई स्क्रीन प्रिंट नहीं है, डिजिटल प्रिंट है। तो दोस्तों, आप अगर कादो पानी में खेलेंगे तो ये प्रिंट कभी नहीं उठेगा। अभी जो प्रिंट का ग्लेज आ रहा है, सेम ग्लेज आने ही वाला है, काफ़ी दिन यूज़ करने के बाद भी यही ग्लेज रहेगा। एंड दोस्तों, अगर हम लोग इसका लेस देखने जाएं, लेस प्योर कॉटन लेस है, सिंथेटिक कॉटन लेस है, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट लेस है, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट है लेस है, कॉटन प्रोडक्ट लेस है। और लेस दोस्तों, हम लोग पीछे का हील कुशन देखें, ये जो ए पोर्शन देख रहे हैं, ए पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इधर अलग से बोर्ड से फाइबरिंग किया हुआ है तो आपका एंकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड एंकल में कोई इशू नहीं आने वाला है, एंड एंकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अंदर का पोर्शन देखें तो काफ़ी वो दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है। एंड दोस्तों, अगर हम लोग अंदर का इंसोल देखने जाएँ तो काफ़ी मोटा एक इंसोल है, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट इंसोल है, काफ़ी मोटा इंसोल है, दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 4mm जैसा इंसोल है। इसलिए आपका एंकल में कोई इशू नहीं आएगा और एंकल में आपका कोई चोट नहीं आएगा। एंड दोस्तों, अगर हम लोग इस फुटबॉल शू का शेप देखने जाएं, ये जो शेप है दोस्तों काफ़ी बढ़िया शेप है, देख रहे हैं एकदम राउंड स्टार्ट में शेप है, एकदम नर्व है। तो इस शेप के वजह से आपका अगर पायर का पंजा चौड़ा भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस शेप में, इतना बढ़िया शेप में कोई इशू की बात नहीं है। अगर पैर का पंजा चौड़ा भी होगा कोई इशू नहीं है, आपका इजीली से कंफर्टेबल फील्ड आएगा। एंड आपका पैर का पंजा अगर नैरो भी होगा तो उन लोग को भी कंफर्टेबल फील्ड आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। एंड दोस्तों, अपर पे जो देख रहे हैं ये अपर मैटी फिनिश है, कोई ग्लॉसी फिनिश नहीं है, जो अपर दिख रहा है मैटी फिनिश है। तो आपका अपना हिसाब से फुटबॉल को कंट्रोल में शॉट ले सकते हैं, आप अपना हिसाब से फुटबॉल के कंट्रोल में शॉट ले सकते हैं। एंड दोस्तों, इसका अगर पेस्टिंग देखें, काफ़ी हद तक प्रीमियम क्वालिटी पेस्टिंग है, एकदम पेस्टिंग का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी हद तक प्रीमियम क्वालिटी। एंड दोस्तों, हम लोग इसका अगर सोल देखने जाएं, ये जो सोल दिख रहा है ब्लैक एंड पिंक, तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी लुक आ रहा है सोल का भी। एंड सोल का स्टार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ट्रायंगल स्टफ में है। सो दोस्तों, ट्रायंगल स्टफ सोल में, तो आप हार्ड ग्राउंड में खेलिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्चुअली हार्ड ग्राउंड के लिए बेस्ट है, एंड सॉफ्ट ग्राउंड में भी अच्छा होगा। एंड हार्ड ग्राउंड एंड सॉफ्ट ग्राउंड के लिए बेस्ट फुटबॉल शू है, और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट फुटबॉल शू है।
जो है नया जो लोग फुटबॉल खेलना सीख रहे हैं या खेलना चाहते हैं या नए नए में कोई फुटबॉल शू परचेस करने सोच रहे हैं, तो ये शू को आप लोग 100% ले सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया क्वालिटी एंड काफ़ी सस्ते में। सो दोस्तों हम लोग इसका अगर प्राइस का बात बोले तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी सस्ता प्राइस है। आप लोग अगर मार्केट में इसको परचेस करने जाइएगा 950 से 1050 का अंदर मिल जाएगा, 950 से 1050 का अंदर आप लोग को मिल जाएगा, वो भी रिटेल प्राइस पर। एंड होलसेल में अगर लेना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर और सेलर का शॉप एड्रेस एंड सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ और सेलर का शॉप नेम सब कुछ इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्ट होलसेल प्राइस पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सब कुछ तरफ से ये बढ़िया शू है, प्राइस भी सस्ता है, क्वालिटी भी बढ़िया है और डिजाइन भी एकदम लुक प्रीमियम क्वालिटी लुक भी है। तो ओवरऑल दोस्तों इसका रिव्यू हम लोग देखने जाएंगे तो बेस्ट से बेस्ट इतना सस्ता फुटबॉल शू कोई नहीं दे पाएगा इतना सस्ता में और इतना बढ़िया क्वालिटी। सो दोस्तों अगर हमारा वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग फ्रेंड को शेयर कीजिए और हमारे चैनल में नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर और भी हम बढ़िया बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फुटबॉल शू का रिव्यू देने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेनी मेनी थैंक्स और जय हिंद दोस्तों।